अरे तुम्हें तो वो कुमार समझ लेंगे, मगर कहीं तुमने नौकर को मालिक और मालिक को नौकर समझ लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझे? फिर क्या करें? चलो कोई पिछला दरवाजा ढूंढे। राजेंद्र, वो तो यहाँ नहीं आओ। मैंने अपने कानों से सुना है। अरे सरकार, हमारी बात तो सुनो। हट जाओ। हे भगवान, विक्रम, राजू, चल। बापे, ये तो विनोद को मार डालेगा। विनोद, जल्दी से भेष बदल ले। भेष बदल ले? अरे जल्दी कर, वरना मारा जाएगा। पहन पहन। राजेंद्र, कमीने! आप लोग? जी हम लोग। वो कमीना कहाँ गया? कमीना? यहाँ तो हमारे सिवाय और कोई कमीना नहीं आया। मैंने अपने कानों से सुना है कि वो यहाँ आया है। ठहरिए। विक्रम भैया, आप आइए ना। मालूम हुआ तुम अस्पताल से वापस आ गई। बच्चों को देखने चला आया। बैठिए। कैसे हैं बच्चे? अच्छे हैं। बड़ी खुशी हुई तुम्हारे जुड़वा बच्चे हुए। मैंने फैसला कर लिया है भैया, एक बच्चे को मैं अपनी बहन को दे दूंगी, उसके कोई औलाद नहीं, और दूसरे को लेकर यहां से चली जाऊंगी। चली जाऊंगी कहां? इतनी बड़ी दुनिया है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी, मुझसे अब यहां नहीं रहा जाएगा। माया देवी, मुझे जिंदगी भर यह सदमा रहेगा कि तुम्हारे पति की मौत मेरे यहां काम करते करते हुई। इसमें आपका क्या दोष? वो तो एक्सीडेंट था। जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है। कभी कभी भगवान भी कितना बड़ा अन्याय कर दे। ये थोड़े से रुपए बच्चों के लिए। नहीं नहीं, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। बोझ कैसा? ये तो एक भाई की तरह से छोटी सी भेंट है। कभी भी आधी रात को मेरी जरूरत पड़े तो बेधड़क मुझे बुला लेना। मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझूंगा अगर तुम्हारे किसी भी काम आ सके। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी मिस्टर धर्मा, मैं आपके बच्चे को नहीं बचा सका। शुक्र है आपकी बीवी की जान बच गई, उन्हें कुछ दो घंटे में होश आ जाएगा। डॉक्टर साहब, जब उसे होश आएगा तो ये दुख सहन नहीं कर सकेगी। चार बार पहले भी ऐसे हो चुका है। डॉक्टर साहब, वो मर जाएगी, वो मर जाएगी। मिस्टर धर्मा, डॉक्टर कोशिश ही कर सकता है, मुर्दे में जान तो नहीं डाल सकता। और मुझे कहते हुए दुख होता है कि आपकी मिसेस को अब कभी बच्चा नहीं होगा। आई एम सॉरी मिस्टर धर्मा, आई एम रियली सॉरी। धर्मा, मैंने सब सुन लिया है, तुम फिक्र मत करो। भाभी के होश में आने से पहले बच्चा उनकी गोद में होगा। बच्चा? हाँ। लेकिन कैसे? मेरे मोहल्ले में माया देवी नाम की एक औरत है, वो हाल ही में विधवा हुई है। परसों उसके यहाँ जुड़वा बच्चे हुए हैं और इत्तेफाक से दोनों लड़के हैं। उनमें से एक लड़का हमारी भाभी की गोद में खेलेगा। वो औरत अपना बच्चा दे देगी? इसकी तुम फिक्र मत करो, मुझ पे छोड़ दो। खुशी तो मुझे है दीदी,
आज तक तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं, तुमने आज मुझे वो दिया है जो मुझे स्वयं भगवान भी न दे सके। नहीं नहीं, ऐसा न कहो, इसके तो नसीब अच्छे हैं जो ये तुम्हारे यहाँ सुख चैन से पलेगा। मेरे लिए तो एक को ही पालना भारी है। माया, तुम्हारे जीजा जी ने इसके नाम से बैंक में खाता खुलवा दिया है। इसकी परवरिश के लिए तुम्हें हर महीने वहाँ से खर्च मिलता रहेगा। तुम्हारा दिल कितना उदार है दीदी। लेकिन माया, मुझे एक ही बात का डर है। क्या? कल को कहीं माँ का दिल बच्चे के लिए मचल जाए तो मैं। मैं तुम्हें वचन देती हूँ दीदी, आज से मैं इसकी मौसी और तुम इसकी माँ। माया, मैं भी तुम्हें वचन देती हूँ कि इस पर जिंदगी में कभी किसी दुख की छाया नहीं पड़ने दूंगी। दीदी शांता, शांता आप कैसी हो? शांता, लड़का हुआ या लड़की? हाँ, लड़का हुआ। लड़का? हाँ लड़का। कैसा है मेरा बच्चा, दिखाओ ना। हाँ हाँ हाँ, जी भरकर देख लेना, अभी डॉक्टर साहब उसे साथ ले गए हैं, रात को तुम्हारे पास आ जाएगा। रात तक इंतजार करना पड़ेगा? नहीं नहीं, मुझे मेरा बच्चा दिखाओ, मैं उसे एक नजर देखना चाहती हूँ, फिर बेशक ले जाना। शांता जिद ना करो, डॉक्टर साहब ने मना किया है, चंद घंटों की तो बात है। अब तुम सो जाओ, जब तुम सोकर उठोगी तो बच्चा तुम्हारे पास होगा। तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम्हें किसने देखा तो नहीं? नहीं, और अगर किसी ने देख भी लिया है तो क्या सबूत है उसके पास? फिर भी हमें होशियार रहना चाहिए। मेरा ख्याल है हमें ये शहर छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। तुम तो बेकार में घबराते हो दरबार। पूरन मेरी बात मानो, लो लो लो, आओ मेरे साथ, आओ चलो। मेरा लाल, मुझे मालूम था मेरा राजा बेटा मेरे कुल का नाम जरूर रोशन करेगा। मेरा चैन गंगा देवी, गंगा देवी, अरे कहाँ हो? क्या है विक्रम, अरे क्या किया इसने? इसी से पूछो। क्यों रे, क्या किया तूने? क्या भोली शक्ल बनाकर बैठा है? मैं भी कई महीने से सोच रहा था कि मेरे पैसे कहाँ गुम हो जाते, आज रंगे यहाँ तो चोरी करते पकड़ा है। ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या क्या सुन रही हो? आज चोरी करता है, कल डाके डालेगा, इसे संभाल के रखो, और फिर कभी मेरी हवेली में कदम रखा तो इसे गोली चोड़ा दूंगा, समझी? चोरी क्यों करता है ऐसा? कमला, तू यहाँ पीछे पीछे क्यों आ गई? देख, इस चोर से कभी बात नहीं करना, ये बहुत ही गंदा लड़का है, इसके साथ खेलना भी नहीं। तू तो मेरी अच्छी बहनी है ना। हाँ चल।
आज क्या हुआ मेरी बुलबुल को? छुओ मत मुझे। क्यों, क्या हुआ? रोज बातें बना के यूं ही टाल जाते हो। सच सच बताओ ना, मुझसे शादी कब करोगे? शादी? अरे शादी तुझे यूं कर लूं, लेकिन वो तुम्हारा भाई है ना विक्रम, मुझे देखते ही बंदूक में कारतूस डालने लगता है, उसका क्या करोगी? मैं आज ही बात करती हूँ भैया से। ठीक है, बात करने से पहले कारतूस निकाल लेना। आ गई मेरी घड़ी। घड़ी? मैं? हाँ, इसीलिए तो मैं हाथ पे घड़ी नहीं बांधता। जानता हूँ जैसे ही मेरी बहन आएगी मेरे खाने का वक्त हो जाएगा। ले, हाथ भी धो लिए, देख। अरे आज तो कुछ बोल नहीं रही, तबीयत ठीक है ना? भैया तुम शादी कर लो। अरे मैंने तुझे बेटी की तरह पाला है, पहले तेरे हाथ पीले कर लूं, फिर अपने लिए कुछ सोचूंगा, जल्दी क्या है। हाँ, तेरे लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा है मैंने। भैया लड़का तो मैंने भी देखा है। अच्छा, कौन है वो? पहले वादा करो तुम नाराज तो नहीं होगे। अरे पगली, आज तक तेरे पे नाराज हुआ हूँ? जानती हूँ भैया, इसीलिए तो हिम्मत करके तुम्हारा आगे मुंह खोल रही हूँ। भैया भैया मैं राजेंद्र से। क्या? फिर उस कमीने का नाम लिया मेरे सामने? बस एक इसी बात से रोका था तुम्हें, बाकी पूरी आजादी दे रखी है। बता, मैंने तुम्हारी कौन सी जिद पूरी नहीं की, कौन सा अरमान पूरा नहीं किया? इसीलिए मैंने शादी नहीं की कि न जाने आने वाली के साथ तुम्हारी बने या न बने। तुम्हारी नजर में इन सब की कोई कदर नहीं। नहीं भैया, ये बात नहीं है। तुम जैसा भाई तो नसीबों से मिलता है, लेकिन लेकिन मैं राजेंद्र से प्यार करती हूँ। तुम तो अंधी हो गई हो उसके प्यार में, लेकिन मैं अंधा नहीं। कोई भी भाई जानबूझकर अपनी बहन को कुएं में नहीं धकेल सकता। आज ही मैं तुम्हारे रिश्ते की बात पक्की करके आता हूँ। भैया खाना, रात को शायद मुझे देर हो जाए, तुम खाना खा लेना। लेकिन तुम्हारी एक नहीं सुनेगा, और आज माँ ने भी मुझे घर से निकाल दिया। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मेरा क्या बनेगा। तुम्हें तो अपनी फिक्र लगी है, ये क्यों नहीं सोचते कि मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या, मेरे बच्चे की माँ? लेकिन कमला, कमला मैं कर भी कह सकता हूँ, काम काज तो मेरे पास है नहीं, और जब मेरी फूटी कौड़ी तक नहीं है। पैसों की फिक्र तुम मत करो, भैया ने मेरी शादी के लिए जो रुपए और गहने रखे हैं वो मैं सब ले आऊंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पैसे कैसे ले सकता हूँ? अब मेरा और तुम्हारा क्या अलग अलग है? ठीक है, पर शाम की गाड़ी से बॉम्बे चलते हैं, वहाँ एक बहुत धांसू काम मेरे हाथ लगने वाला है। अगर मामला फिट हो गया तो तुम्हारे भाई के पैसे सूद समेत लौटा दूंगा। भागन हूँ कि घर बसाने जा रही हूँ, पर तुम्हारा आशीर्वाद भी मेरे साथ नहीं है। मैं आज रुक गई तो राजेंद्र मुझसे हमेशा के लिए रूठ जाएगा। मेरी शादी हो जाए फिर मैं अपने आंसुओं से तुम्हारे पैर धोकर भी तुम्हें मना लूंगी। तुम मुझे जरूर माफ करोगे, कर दोगे ना भैया, कर दोगे ना? देखो तुम वेटिंग रूम में जाकर मेरा इंतजार करो, तुम्हें कुछ देखना नहीं, मैं भी टिकट लेकर आता हूँ। अच्छा सुनो, जरा जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओहो जाने मन, कल मैं तुमसे शादी कर लूंगा, परसों तुम्हारे भाई के पांव पकड़ के माफी मांग लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। राइट, जाओ वेटिंग रूम में मेरा इंतजार करो।
रोटी लाया हूं। लड़के वालों ने शगन भेजा है। अरे कहां चली गई कमला? कमला ऊपर भी नहीं लगी। भैया मैं जा रही हूँ दूर, बहुत दूर, जहाँ से लौटकर कोई नहीं आता। तुम्हारे मना करने पर भी मैं राजेंद्र से मिलती रही। वो अपने पाप की निशानी मेरी कोख पे छोड़कर भाग गया, पर तुमने मुझे इतना प्यार दिया भैया कि मैं उसकी याद के सहारे मैं उस दर्द को भूल जाऊंगी। मुझे क्षमा कर देना भैया। तुम्हारी अभागन बहन कमला। मैं ऐसा नहीं करूंगा। राजेंद्र, गंगा देवी, ओ गंगा देवी, कहां है तेरा गंदा खून? बाहर निकाल उसे। हे भगवान, क्या हुआ कमला को? अगर तेरी आंखें नहीं फूटी तो देख, ये है मेरी बहन की लाश, बाहर निकाल उसे। उसे तो मैंने घर से निकाल लिया है। मैं आज उसे दुनिया से निकालने आया हूं। उस कुत्ते ने मारा है मेरी बहन को। वो कहीं भी चला जाए, दुनिया के किसी कोने में छुप जाए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मैं सौगंध खाता हूं गंगा देवी, जिन हाथों पर आज मैंने अपनी बहन की लाश उठा रखी है, इन्हीं हाथों पर एक दिन तेरे बेटे राजेंद्र की लाश उठाकर तेरे सामने लाऊंगा। भगवान, भगवान, मुझे किस पाप की सजा दे रहे हो भगवान? दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है, दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है, दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है, आग दिल में लगी तू बुझा देना। कभी सुना नहीं है, रंग जुना नहीं है, अभी समा नहीं है, रंग जुना नहीं है, चार दिन और यूं ही बिता देना। दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है, दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है। ये बेरुखी कैसी है चार दिन जिंदगी के दो दिन जवानी के हैं वो तो आ जाना मिल के बिताए सनम। ये दिल कोई हमें देख लेना, छोटा है ये दुनिया की नजरों में ऐसी ही रुसाना हो जाए हम। क्या करेगी दुनिया, जल मरेगी दुनिया, क्या करेगी दुनिया,
जाएगी दुनिया, तू जलन मेरे दिल की मिटा देना। अभी समा नहीं है, रंग जमा नहीं है, अभी समा नहीं है, रंग जमा नहीं है, चार दिन और यूं ही बिता देना। दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है, दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है। गले से उठा है मोहब्बत का तूफान दिल में अभी। तू मान जा भैया, अब छोड़ दे भैया, तू मान जा भैया, अब छोड़ दे भैया, जागे माँ भी तो दुला देना। दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है, दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है, आग दिल में लगी तू बुझा देना। दिल मचल रहा है, अभी सुना नहीं है, रंग बदल रहा है, रंग जमा नहीं है। विनोद, हम कब तक क्यों चुप चुप के मिलते रहेंगे? तुम चाचा जी से कब मिलोगे? तुम्हारे चाचा जी से नहीं तो क्या, हेमा मालिनी के चाचा जी से? ओहो, हेमा मालिनी का तुम्हारा क्या मुकाबला? कहाँ तुम और कहाँ वो? बस बस, मुझे बनाओ मत। बनाया तो तुम्हें ऊपर वाले ने, और ऐसा कमाल का बनाया कि मैं बेचारा गरीब मारा गया। तो फिर तुम चाचा जी से क्यों नहीं मिलते? जानते हो, उन्होंने मेरा रिश्ता एक बहुत बड़े घर में तय किया है। कल हम लोग एक नए बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं। तुम्हारे चाचा जी बहुत ऊंचा उड़ते हैं। जब वो मुझे इस फटीचर से घर में मिलने को तैयार नहीं है, तो बड़े घर में तो मुझे 100 जूते मार के बाहर निकाल देंगे। वो तुम्हें निकाले या ना निकाले, तुम मेरी बात इस कान से सुनकर इस कान से जरूर निकाल देते हो। ओहो, देखा, पहले मैं कुछ बन जाऊं तो तुम्हारे चाचा को पटाने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। बस थोड़े दिन और ठहर जाओ। मैं एक दिन भी नहीं ठहरूंगी। तुम समझती क्यों नहीं, मैं एक चक्कर चला रहा हूँ। अगर वो चक्कर चल गया तो चुटकी बजाते ही तुम्हारे चाचा हमारे साथ चक्कर चलवा देंगे। वो सब मुझे नहीं मालूम। अगर कल तुम चाचा जी से नहीं मिलने आए तो तुम्हारी हमारी कुट्टी। सच? हाँ। सकराम, आया तो? क्या जी, सुबह हो गई तुम्हारी? जी मैं तो कब का उठा। तो फिर देखा आप तक? जी बाहर था। क्यों जी, तुम बाहर क्यों थे? जब मैं अंदर हूँ तो, या जब मैं बाहर जाऊंगा तब तुम अंदर आओगे? बोलो बोलो। मैं तो जी, मैं हफ्ते भर के लिए बाहर गाँव जा रहा हूँ। विनोद बाबू का सूटकेस लेकर फौरन बाहर छोड़ा। अबे गला गला मुंह क्या देख रहा है, बाहर छोड़ गया? एक चक्कर है माता जी, अचानक एक प्रोग्राम बन गया, इसीलिए रेखा को बताए बिना जा रहा हूँ। और फिर मेहता जी, आप तो जानते हैं मैं उसके घर जा नहीं सकता। जब रेखा यहाँ आए तब उसे बता दीजिएगा। सुनो, 25 बरस का नौजवान राजकुमार है, एजुकेटेड इन यूरोप। अब आगे मुझसे सुनो, प्रीवी पर्स बंद होने पर भी 6 लाख सालाना की इनकम है। अच्छी, यही तो मैं हिंदी में पढ़ रही थी। तो इधर भी यही लिखा है? हाँ, साईं बाबा की कृपा से वो लड़का अगर मेरी कांता को पसंद कर ले तो मैं शिरडी में एक धर्मशाला बनवा दूं। और ये पसंद कैसे नहीं करेगा? मेरी बेटी कोई फुटपाथ पर कंघी बेचने वाले की लड़की नहीं है, सेठ श्याम सुंदर आसवानी की बेटी है, किंग ऑफ एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स फ्रॉम हांगकांग। तो आज ही तुम चिट्ठी डाल दो और कांता का फोटो भी रख देना। जरूर, लेट मी नोट डाउन द एड्रेस, 36239 Care of Times of India, Bombay. Import, export? ये साहब कौन है? बड़ी, ये तो श्याम सुंदर आसवानी है नी साईं, ये तो बहुत बड़ा स्मगलर है। ये लोग गवर्नमेंट की आंखों में धूल झोंकते हैं, मैं इनकी आंख में धूल झोंक के करिश्मा दिखा दूंगा। आप ठीक कहते पंडित जी। ठीक है, बुलाओ। ये साहब कौन है? ये बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, हरिहर हरी दुग्गल। मैं इस हरिहर हरी को हरिद्वार पहुंचा दूंगा, बुलाओ।
ये साहब कौन सा धंधा करते हैं? ये हिंदुस्तान की फिल्मों के बहुत बड़े लेखक है। वैसे लेखक जितना बड़ा होता है उतना ही भूखा होता है। रिसेंटली बॉस इनका जैकपॉट लगा है, बहुत रुपया कमाया है, लाखों रुपए, ऑल वाइट मनी। यू ब्लडी फूल, लेखक से हमेशा बच के रहना चाहिए। ये कलयुग की औलाद अगर एक बार पीछे पड़ जाए तो हर साल रावण बना के मरे को भी भुगवाते रहते हैं, समझे? आउट। ये कौन है? क्विक। ये अचार और मुरब्बे के बहुत बड़े व्यापारी हैं। इनके अचार और मुरब्बे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक के एक्सपोर्ट। यू ब्लडी फूल, अचार और मुरब्बे, हैव सम टेस्ट यू बैस्टर्ड। लड़की की फोटो तो देखो, बिल्कुल पटाखा है पटाखा। इस पटाखे को तुम जलाओ, समझे? मैं अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराता। यू आर राइट सर, दैट्स बेटर। और ये कौन है, किसी बनिए की बेटी? नहीं राजेश, मेरा मतलब है कुमार साहब। दैट्स बेटर। कुमार साहब, ये दीवान मनोहर लाल अग्निहोत्री है। जितना बड़ा इनका नाम है उतना ही बड़ा कारोबार है। और ये इनकी भतीजी की फोटो है, बिल्कुल फिल्मी हीरोइन लगती है। व्हाट ए फिगर, लवली लवली लवली। ओह शट अप, मुझे लड़कियों के फिगर से नहीं, उनके माल से मतलब है। तीनों पार्टियों का नाम लिख लो और सारा काम जमा कर रखो, समझे? आउट, क्विक। गुड, वेरी गुड। तो ये तीनों पार्टियां बेंगलोर की हैं? जी। इस काम के लिए तुम्हें कितने दिन चाहिए? 10 दिन तो लग ही जाएंगे। 10 दिन बहुत ज्यादा। इस काम को तुम जितनी जल्दी निपटा दोगे उतना रिस्क कम रहेगा। और एक बात और सुन लो, सिर्फ बिजनेस के नाते तुम लड़कियों के बहुत करीब रहोगे, और बिजनेस खत्म होते ही उनसे बहुत दूर। वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ब्रिगेंजा जी, 29 तारीख को यूनस राजेश के पास बेंगलोर पहुंच जाना चाहिए। पहुंच जाएगा। राजेश जी, गुड लक टू यू, यू मे गो नाउ। कुमार साहब। हो तो आप हैं मिस्टर आसवानी? श्याम सुंदर आसवानी, प्लीज टू मीट यू। बड़ी खुशी हुई। और ये मेरे सेक्रेटरी मिस्टर मुरारी, आइए, प्लीज टू मीट यू। अच्छो साईं, अच्छो। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए, इधर आइए। अच्छो साईं, अच्छो अच्छो, ये हमारा गाड़ी है। हाँ जी सरकार, ये भी तो आपकी गाड़ी है, आइए ना। अरे धर्मो, इन्हें जब पूछे अच्छो। ड्राइवर चलो बगल। थैंक यू। क्या गजब का डेकोरेशन है। ये बंगला सैगल सार का है नी? जी है नहीं, था, मैंने उन्हीं से खरीद लिया। वैसे आप सैगल साहब से मिलने यहाँ आए थे क्या? सैगल साहब और हमारा रिश्ता कैसे हो सकता है? हमारा धंधा अलग और उसका धंधा अलग। वैसे ये डेकोरेशन भी मेरी है। तो आप आर्टिस्ट भी हैं? आर्टिस्ट भी नहीं, आर्टिस्ट ही है। और ये कितने बड़े आर्टिस्ट हैं इसका पता आपको आगे चल के लगेगा। सरकार आप बैठिए ना। आसवानी साहब, जब दादाजी ने मुझे पेरिस भेजा था। पेरिस? जी हाँ, हायर स्टडीज के लिए। उसी सिलसिले में मैं जब वहां से आया। एक्सक्यूज मी सर, महिला सदन को जो आपने 50,000 रुपए का दान दिया था, श्रीमती अरुणा देवी उसका चेक लेने आई है, आपके सिग्नेचर। क्विक, कम ऑन। आउट। 50,000 का धन! अरे वड़ी कुमार साहब, क्या गजब कर रहे हो। इतने पैसे थे तो हांगकांग से 2 नंबर के अकाउंट में माल मंगा के यहाँ 4 लाख रुपया बना सकते हो। जी 1 नंबर और 2 नंबर के खाते में तो बिजनेस चलता ही रहता है। लेकिन अब मैंने एक नए स्कीम के बारे में फैसला किया है, और इसके लिए महिलाओं की सहायता बहुत जरूरी है। ये तो मुझे भी नहीं सूझी थी। यही तो तुम जैसे नौजवान हम बूढ़ों को पीछे छोड़ के चले जाते हो। हाँ, मुझे याद आया, आनंद रोमानी के लिए 1.25 लाख रुपए का चेक बनाओ और उसे कहो उद्घाटन से 1 दिन पहले मूर्ति लेके आ जाए। ओके, नो दैट क्विक। 1.25 लाख की मूर्ति? हाँ, एक्सपोर्ट के लिए होगी। जी नहीं, कुमार साहब ने ये मूर्ति अपने दादाजी की बनवाई है, महिला सदन में स्थापित करने के लिए। हाँ ओके ओके जी, शरबत आपके लिए। थैंक यू, अब तो ड्रिंक की जरूरत भी है। मेरी तो एक ही इच्छा है आसवानी साहब, कि मैं अपने पूजे दादाजी के कदमों पर चलूं। मैं कितना लकी हूं कि वो मेरे दादा हैं। अरे बड़ी, ऐसा दादा होना भी तो तकदीर की बात है नी? जी हाँ। प्लीज एक्सक्यूज मी मिस्टर आसवानी, मैं कपड़े बदल के आता हूं। प्लीज प्लीज। क्या दे चलो। वाह, क्या आला ग्रांड नौजवान है। वैसे मैं भी अभी कंवारा हूं।
आइए दोनों साहब, आइए। वाह वाह, अरे कमाल है। क्या शानदार बंगला है। ये सैदो साहब का है ना जी? कमाल है, जो आदमी आता है यही पूछता है। जो आदमी आता है इसका मतलब है कोई और भी आया था? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है दूसरे का बंगला खरीदना, परेशानी खरीदना। अच्छा, तो आपने ये खूबसूरत बंगला खरीद लिया है। जी हाँ, वैसे सैगल साहब से मिलने आप पहले यहाँ थे क्या? जब वो ये मकान बनवाने के लिए सोच रहे थे तब मैं एक बार आया था, मगर उन्होंने ये ठेका किसी और को दे दिया। फिर तो ठीक है। वैसे ये सारी डेकोरेशन भी मेरी है। कुमार साहब, आप आर्टिस्ट भी हैं? आर्टिस्ट भी नहीं, आर्टिस्ट ही हैं। और ये कितने बड़े आर्टिस्ट हैं इसका पता आपको आगे चल के लगेगा। आप बैठे ना लाला जी। बात यह है दुगल साहब कि जब मेरे दादाजी ने मुझे हायर स्टडीज के लिए पेरिस भेजा था, और तुसी पेरिस में भी पढ़े हुए हो? कमाल है। जी हाँ, मैं 4 साल था वहाँ पे। एक्सक्यूज मी सर, महिला सदन को जो आपने 50,000 रुपए दान में दिए थे, श्रीमती अरुणा देवी उसका चेक लेने आई हैं, आपके सिग्नेचर। ओह गॉड, क्विक। क्विक। 50,000 रुपए का दान। कुमार साहब, इतने रुपयों में आप कहें तो मैं उनके लिए एक छोटा सा आश्रम खड़ा कर दूं। दान पुण्य के कामों में भला मुझे क्या कमाना है? उनके काम के लिए तो बहुत उम्र पड़ी है दुगल साहब, ये कुछ क्रिटिकल चक्कर है। अब की मैंने एक नए स्कीम के बारे में फैसला किया है, और इस काम के लिए महिलाओं की सहायता बहुत जरूरी है। दाद देता हूँ आपकी सोच पर, लीडरी के गुण अभी से नजर आ रहे हैं बादशाह। हाँ, मुझे याद आया, आनंद रोमानी के लिए 1,25,000 रुपए का चेक बना दो, और उसे कहो कि उद्घाटन से एक दिन पहले मूर्ति लेकर आ जाए। नोटेड, क्विक। और तुसी मूर्तियां भी एक्सपोर्ट करते हो? जी नहीं, कुमार साहब ने ये मूर्ति अपने दादाजी की बनवाई है महिला सदन में स्थापित करने के लिए। लाला जी, लस्सी लीजिए, बैठिए। हुण तां लस्सी पीनी हो पेगी। मेरी एक ही इच्छा है लाला जी, कि मैं अपने पूज्य दादाजी के कदमों पर चलूं। मैं कितना लकी हूं कि वो मेरे दादाजी हैं। अब तो आपके दादाजी से मिलने का मेरा शौक और भी बढ़ गया है। अच्छा लाला जी, मैं जरा कपड़े बदल के आ रहा हूं। जरूर जरूर, शौक से। क्या होनहार लड़का है। वैसे मैं भी अभी तक कवारा हूं। वो युग बीत गया जाजा जी, जब घर वाले लड़की का रिश्ता किसी के साथ भी कर दिया करते थे। तो अब कौन सा युग आ गया है? आजकल की लड़कियां तो अपनी मर्जी अपनी खुशी के साथ लड़का पसंद करती हैं। इस दरवेश का क्या होगा? अरे भाई, मैं कब कह रहा हूँ तुम उसे पसंद करो, तुम उसे पसंद मत करो। लेकिन चाचा जी, मुझे जिस रास्ते जाना ही नहीं, मैं उसकी पेड़ क्यों गिनती फिरूं? और आप तो जानते हैं मैं अपना जीवन साथी चुन चुकी हूँ। कौन वो विनोद? मुझे उसके नाम से नफरत है। तो मैं उसे कहूंगी वो अपना नाम बदल ले। अरे जिसका नाम ही विनोद है उसकी सूरत क्या होगी? लेकिन आपने उसकी सूरत देखी कब? मैंने जब भी उसे आपसे मिलवाना चाहा आप टाल गए। तो इसलिए आज तुम मेरी बात टाल रही हो? आज तक मैंने तुम्हें इसीलिए पाल पोस कर बड़ा किया है, यही ना? चाचा जी, अब ये डायलॉग पुराना हो चुका है, घिस चुका है, कोई नया डायलॉग सोचिए आप। नया डायलॉग कहाँ से सोचे? जो भी डायलॉग बोलते हैं इन लड़कियों ने पहले से किसी न किसी फिल्म में सुना हुआ होता है। सत्यानाश कर दिया इन लड़कियों का फिल्म स्टारों ने। ओहो, अरे तुमने रेखा को क्या कह दिया जो गुस्से से पैर पटक कर चली गई? मैंने कुछ नहीं कहा, उसने मुझसे कह दिया है कि लड़का नहीं देखूंगी। वो तैयार नहीं, मैं तैयारियां कर चुका हूँ। वो तो मैं भी देख रही हूँ। इतना बड़ा घर, इतने सारे नौकर चाकर, ये झूठी शान मान क्या मैं नहीं समझती? क्यों नहीं समझोगी, आखिर बीवी किसकी हो? अरे मेरा माथा तो पिछले बरस ही ठनका था जब तुम कानपुर, पटना और झांसी गए थे नए नए लड़कों को झांसा देने के लिए। लो, ये धंधे को झांसा बोलती है, ये दरवेश का क्या होगा? मुझे फिक्र है तुम्हारा क्या होगा। जिस लड़की के साथ अभी तक ये नाम और धंधे करते रहे उसे अपनी बेटी बनाकर दिखाओ। मेरी रेखा को इस 400 बीसी धंधे में क्यों घसीट रहे हो? तुम क्या चाहती हो कि घर की मुर्गी को दाल बराबर समझूं? तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। मैं तो बाज आ जाऊंगा, मगर वो तुम्हारा अधूरा बंगला म्यूनिसिपैलिटी आकर पूरा करेगी क्या? मुझे लालच दे रहे हो? कमाल है, लालची लोग ही लालच को बुरा कहेंगे। देखो, मुझे थोड़ी सी टिकट में लड़ा लेने दो, उसके बाद त्याग ले लेंगे। त्याग ले लेंगे? तुम नहीं सुधरोगे। अरे सुधरने सुधारने की बात लीडरों पर छोड़ो, मुझे घर की हालत सुधारने दो। जाओ रेखा को मनाओ ताकि लड़का उसे आके देख ले। मेरी एक शर्त है। क्या बाबा? रेखा की शादी उसी लड़के से होगी जिससे वो प्यार करती है, समझे? ये दरवेश का क्या होगा बाबा? मगर बेटी, मैंने तेरे चाचा जी से वचन ले लिया है, तेरी शादी विनोद के साथ होगी। आज हमारी लाज रख ले। लेकिन चाची, मेरी भी तो कोई लाज है।
मैं कैसे किसी अनजान लड़के के पास बैठ जाऊं? पगली कहीं की, पचासों लड़के मुझे देखने आए तो क्या मैंने उनके साथ शादी कर ली? हम तेरे साथ है तो घबराते क्यों है? 5-10 मिनट बैठेगा, 2-4 बातें करेगा, फिर चला जाएगा। लो शायद वो आ गया। ओह वाह वाह, शक्ल से तो बहुत शरीफ लगता है, चल के एक नजर देख तो ले। उठ उठ जल्दी उठ, जल्दी उठ ना, आ गया ना। चलो बेटा आ। आइए आइए कुमार साहब, आइए आइए। विनोद? हाँ हाँ बाबा, तेरी शादी विनोद से ही कराऊंगी, खुद खड़े होके तेरे फेरे डलवाऊंगी। लेकिन बेटी, तेरे चाचा ने जो इस वक्त इस लड़के को बुला लिया है, हमारी इज्जत रख ले। हम्म, जल्दी से तैयार हो जा, तैयार हो जा जल्दी से। हाँ आइए राजकुमार, आइए, वहाँ बैठिए या यहाँ बैठिए। वैसे ये गरीब खाना आपके काबिल तो नहीं है, आप ठहरे राजकुमार। क्यों शर्मिंदा करते हैं दीवान साहब? अब हम कहाँ के राजकुमार? जब से ये प्रीवी पर्स गया है बस दाल रोटी रह गई है। दाल रोटी? जी हाँ, वही कोई 10-15 मोटरें रह गई हैं। और जो 3-4 राजमहल थे उनके मैंने होटल बना दिया। हजूर, वो 4,000 बीघे जमीन जो झुमरी तलैया में है, लैंड सीलिंग के डर से मैं को नहीं बता था। अंडरग्राउंड? ग्राउंड अंडरग्राउंड। तो दरवेश का क्या होगा? राजकुमार साहब, आपके पास तो प्रीवी पर्स था, यहाँ तो पर्स भी नहीं था। सारे खानदान में बची कुची बस 1/2 बीघा जमीन रह गई थी। आधा बीघा जमीन? जी हाँ, वो तो भगवान की कृपा थी कि उस जमीन में से एक बहुत भारी डायमंड माइन निकल आई, हीरो की कान, वरना जेब काटने पर नौबत आ गई थी। और अब ये हालत है कि लोगों ने हमारी जेब काटनी शुरू कर दी है। इस मकान को देखिए, जब शुरू किया था तो 15 लाख रुपए का एस्टिमेट था, जब बनना शुरू हुआ तो एक एक कमरे पर 15-15 लाख रुपए लग गया साहब। हजूर, आपने कुछ ज्यादा खर्चा कर दिया इस मकान पे। आपने हुमायूं का मकबरा देखा है? देखा है हजूर। हजूर, जिसने वो डिजाइन किया था ना, उसी ने इस मकान को डिजाइन किया है। राजकुमार साहब, आप जब अपना मकबरा बनवाएंगे ना, मेरा मतलब मकान बनवाएंगे ना, उसी डिजाइनर को लीजिए, कमाल कर देगा। खैर वो तो बात की बात है। अब ओ रेखा, वो आपके आमद में सुबह से 50 जोड़े बदल चुकी। दीवान साहब, 50 नहीं 60। 10 और बदलिए क्या? जी हाँ। लड़कियों को आजकल कुछ पसंद ही नहीं आता। हजूर आप तशरीफ रखिए, मैं उसे फौरन लेकर आता हूँ। तब तक मैं इनकी खातिरदारी करता हूँ। रेखा? हाँ तो जी, क्या खिदमत करूं आपकी, कुछ ठंडा या गरम? भाई दिवे मोहनलाल जी, जी आपके यहाँ भी कोई लड़की है शादी के लायक? जी मेरा मतलब है गरम ठंडा दोनों ले आइए। अच्छा। राजकुमार जी, ये हमारी नीस रेखा। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। खुशी तो मुझे भी हो रही तुम्हें, आपको यहाँ देखकर। बैठिए। लगता है आपने पहले मुझे कहीं देखा है। हाय, तुम तो मेरे दिल में बसे हो। ये चमचा कौन है? मुझे तो ये पागल लगती है। और भी अच्छा है, माल ज्यादा मिलेगा। रेखा कहीं उड़ा ना दे इस बटेरे को। बड़े सज रहे हो सूट में, किराए का है ना? क्या बात है राजकुमार साहब? मेरे ख्याल से आपके मकबरे में खटमल ज्यादा है। और वैसे भी मुझे इन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगर आपकी इजाजत हो तो रेखा जी को मैं घुमाने फिराने ले जा सकता हूँ। राजकुमार, हम तो पुराने ख्यालात के आदमी हैं, मगर जमाना नया है, इसको नौजवान समझते हैं, तो जैसा तुम ठीक समझते हो वैसा ही करो। थैंक यू सर। नमस्ते जी। अच्छा, तो आपके दादाजी कनाडा से आने वाले हैं? जी हाँ, इस जीवन में मेरी एक ही लगन है कि मैं अपने दादाजी को खुश रखूं। उन्होंने कहा है शादी करो,
मैं लड़की देखने चला आया। अरे बड़ी इधर देखो नी, ये जो मेरी पुटरी कांता तुम्हारे सामने बैठी है। आपने अपने विज्ञापन में लिखा था ना कि लड़की लाखों की संपत्ति की देखरेख करने योग्य हो, तो वो गुण भी हमारी कांता में। मेरे दो नंबर के खाते का हिसाब भी मेरी पुत्री रखती है। अंडर इनवॉइसिंग एंड ओवर इनवॉइसिंग में तो एकदम वाला ग्रांड है। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं इन्हें घुमाने फिराने ले जा सकता हूँ। अरे बढ़िया, भी ले जाओ, नहीं कौन रोकता है। आई एम अ वेरी ब्रॉड माइंडेड मैन। ये है मेरी बहन मधु। हेलो। और मधु ये है कुमार साहब, तुम्हारे होने वाले पति। क्यों, मैंने ठीक कहा? जी हाँ, मैं तो आया इसलिए हूँ। जी जी हाँ। अब आप दोनों बैठ के बातें कीजिए और हम जरा अंदर। आप लोग अंदर की जाते हैं, मैं ही इन्हें बाहर ले जाता हूँ, अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो। नमस्ते मेहता जी। अरे का बिटिया, विनोद तो नहीं है, हफ्ते भर के लिए बाहर गाँव गया है। बाहर गाँव? तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़ गया था कि एक चक्कर है। कहो बिटिया, क्या चक्कर चलाने गया है वो? मेहता जी, ये जो आपके विनोद बाबू है ना, ये जितने जमीन के ऊपर है उतने नीचे भी है। मैं समझा नहीं। मैं ही कहाँ समझी थी। हाँ, अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। मैं विनोद से जाके पूछती हूँ ये चक्कर क्या है। चक्कर वक्कर कुछ नहीं, जरा बैठी तो सही आप। आप? अच्छा, अब मैं तुमसे आप भी हो गई। देखो विनोद, मैं कैसे बैठूं, मेरा तो दम बैठा जा रहा है। ये तुम कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हो विनोद, घर में तो कहना मजा ले रही थी। मजा ले रही थी और नहीं तो क्या, मैं सोच रही थी तुम्हारा भांडा अब फूटा अब फूटा। और जानते हो चाची जी क्या करते? क्या करते? तुम्हारे किराए के कपड़े उतरवा के तुम्हें और तुम्हारे चमचे को ना नंगा करके घर से बाहर निकाल लेते, समझे? नंगा करके? हाँ। मुझे? अरे हंस रहे हो? अरे यहाँ से तो तुम भाग भी नहीं सकोगे। इस घर का मालिक, उस कार का मालिक, ये नौकरों और चमचों की फौज, जिनके आगे तुम शहजादा सलीम बने फिर रहे हो, सब मिलकर मारेंगे तुम्हें। और ये तुम्हारा थोपड़ा ना थोपड़ा, इसको टेढ़ा मेढ़ा करके पुलिस में दे देंगे। फिर मैं तुम्हारी जमानत कहाँ से दूंगी, कैसे छुड़ाऊंगी तुम्हें? अरे रेखा, जो होगा सो होगा, तुम किसी बात की फिक्र मत करो। लेकिन तुमने क्या चक्कर चला है विनोद? विनोद? सब बताता हूँ, सब बताता हूँ, लेकिन अभी नहीं। अब तुम मुझसे कुछ ना पूछो और कुछ ना कहो, क्योंकि मैं प्यार के मूड में हूँ। रेखा, मुझसे प्यार करती है ना? जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं। इसलिए तो कह रहा हूँ, अब तुम चुपचाप मुझसे प्यार करो और मुझे प्यार करना दो। चलो। कहाँ? प्यार के सपने सजाने। अंदर नहीं बाहर। हो देख तुझको दिल ने कहा, साथी जन्मों का मिल गया, अब न होंगे हम तो जुदा, चाहे ये दुनिया कुछ भी कहे, ये दुनिया कुछ भी कहे। ये पहली मुलाकात है जाना, मिले पहले भी मगर सपने में, हो मिली गए तो छोड़ो अजी घबराना, ये दूरी कैसी अजी अपने में। आ मेरे सीने से लग जा मचल के, आजा मेरे दिल बरा, देख तुझको दिल ने कहा, साथी जन्मों का मिल गया, अब न होंगे हम तो जुदा, चाहे ये दुनिया कुछ भी कहे।
ने यूं तो चलाया हम पे जादू, मगर ये दिल ना किसी पे आया। ओ शायद न देखा भरपूर ऐसा जोबन जो मेरे दिल ने तुझी में पाया। ये हुस्न कोई खलीफा देखे वो भी बहक जाएगा, देख तुझको दिल ने कहा साथी जन्मों का मिल गया। अब न होंगे हम तो जुदा चाहे ये दुनिया कुछ भी कहे। कुमार साहब, श्याम सुंदर आसवानी है, गुड मॉर्निंग। आपके दादाजी आ गए? जी हाँ, दादाजी आ गए। मैं कब आऊँ? हाँ जी, आप ठीक 10 बजे आ जाइएगा। तो मैं किस वक्त दादाजी से मिल लूँ? 11 बजे? मैं बराबर वहाँ 11 बजे पहुँच जाऊंगा। कितने बजे आऊँ? 12 बजे आ सकेंगे जी आप? अजी दोपहर के 12 क्या, रात को 12 बजे भी अगर दादाजी बुलाते तब भी चला आता। अच्छा ठीक है जी, हाँ मेरी नमस्ते कहिए उनको। हाँ हाँ मैं कह दूंगा। ठीक है ठीक है, come on get dressed and quick, और देखो no overacting, done, quick। दादाजी यही है श्याम सुंदर आसवानी। रखिए, इन्हीं की लड़की है वो। जी मेरी पुटली तो आपकी हो चुकी है, हमने तो सिर्फ उसको पढ़ा लिखा कर आपके खानदान के काबिल बनाया है। हमें आपकी नम्रता पसंद आई। इस खुशी के मौके पर छोटा सा शगन लाया हूँ, 1,00,000 रुपया। आप हमारा अपमान कर रहे हैं। अभी होड़ी लेने में अपमान किधर होता है, अपमान तो देने में होता है नहीं। और आगे भी जैसे आप कहेंगे ऐसा ही होगा। ये वादा रहा? श्याम सुंदर आसवानी के वादे पर इनकम टैक्स ऑफिसर भी चक नहीं करता। बहुत पहुंचे हुए लगते हैं आप। इसलिए तो 100-100 रुपए के नोटों में लाया हूँ, तो कहीं आपको दिक्कत ना हो। अरे कुमार बेटा, आसवानी साहब को कुछ खाने पीने की चीजें मंगवाओ। जी दादाजी। गुड मॉर्निंग दादाजी। मॉर्निंग सर। दादाजी ये है हरिहर हरी दुग्गल। आपकी सानी पसंद आ गई हमारी कुमार को? बस यही खुशखबरी सुनने के लिए मैं यहाँ आया था। इस शुभ घड़ी पर आप एक छोटा सा तोहफा कबूल फरमाइए। रुपया 3,00,000 रुपए? मुझे लोग ही समझते हैं, मेरी घर में मेरी बेइज्जती कर रहे हैं आप। जी मैं तो उल्टा अपनी इज्जत बढ़ाने आया था। मेरे खानदान का रिश्ता आपके बड़े घराने से हो रहा है, इसमें मेरी इज्जत को 4 चांद लग जाएंगे। कितने चांद लग जाएंगे? 4 चांद। चांद तो एक ही होता है बर्फदार, बाकी के 3 चांद कहां से लाएंगे आप? तुसी गुस्से ना हो बादशाह, इको चांद सही। नहीं जी, गए 4 ही चांद सही। हम किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते। कुमार बेटा आशीर्वाद लो। क्या नाम बताया आपने? हरी हर हरी डुगल। डुगल साहब का आशीर्वाद। आप बातें बड़े मजे की करते हैं। हजूर सिर्फ बातें ही मजे की नहीं करता हूँ, बल्कि कुछ काम भी मजे का करता हूँ। अरे भाई कुछ हम भी तो सुने, क्या मजे का काम आप करते हैं। मगर सरकार पहले हम भी तो सुने आपके दिल की बात। अच्छा तो आप रिश्ते की बात कर रहे हैं? जी हाँ।
अरे भाई जो कुमार की पसंद वही हमारी पसंद। तो यानी आप दोनों एक ही लड़की से शादी कर रहे हैं क्या? आई आपने कुछ हमारी उम्र का ख्याल तो किया होता। आपकी उम्र का ख्याल करके ही तो मैंने कहा है इस देश में क्या नहीं होता। हाँ ख्याल से ख्याल आया कि देखिए मैंने आपका कितना ख्याल किया है, ये लीजिए। जवाहरात! अरे कुमार लाना तो मेरी बंदूक। बंदूक? जी हाँ, दोना ली है कि अगर जहेज की बात करके हमारे सामने से कोई भागना भी चाहे तो ना भाग सके, अगर एक निशान चुके तो दूसरा दाग दूं। हजूर जब निशाना ही गलत लगा रहे हैं तो गोली कैसे लगेगी? ये जिसे आप दहेज समझ रहे हैं ये दहेज नहीं है, ये तो सिर्फ 3 लाख रुपए का शगन है, दहेज तो बाद में आएगा। तो फिर इसे आप हमें क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम खानदानी हैं और ये हमारे खानदान की रस्म है। तो क्या हम खानदानी नहीं? फिर तो आप इस रस्म को अच्छी तरह जानते होंगे। कैसी रस्म? यही कि जब लड़के वाले हाँ कर दे तो लड़के वाले 3 लाख रुपए का शगन दे दे और लड़के वालों से सिर्फ 50,000 रुपए आशीर्वाद के तौर पर नकद ले ले। क्यों? लड़के वाले क्यों देंगे? खानदानी होंगे तो जरूर देंगे। ये बात है। बेटा कुमार अभी लाता हूं। उस वक्त तो सिर्फ वचन दिया था, ये देखो अब पैसे भी दे रहा हूं। ये मैंने कुमार से शगन के लिए 50,000 रुपए ऐंठ लिए थे और इस धूमधाम पे सिर्फ 5,000 रुपए खर्च किए। 45,000 का फायदा तो किसी धंधे की बड़ी से बड़ी स्कीम में भी नहीं होता, एंड दैट आल्सो विदाउट इनकम टैक्स। विनोद, विनोद! अरे देखा, मैं सोच ही रहा था तुम तक कैसे पहुंचो। ऐसी खबर है कि तुम सुनते ही खुशी से पागल हो जाओगी। किस किस को पागल बनाओगे? पहले तो मैं समझी थी कि तुम चाचा जी और चाची जी को पागल बना रहे हो, लेकिन अब पता चला कि तुम मुझे भी पागल बना रहे हो। ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें कहां से मिली इतनी सारी दौलत? दौलत? अरे पगली मेरी दौलत तो बस तुम हो। बंद करो ये नाटक। एक्टिंग करने का शौक है तो फिल्मों में जाओ। मैं पूछती हूँ तुमने पैसा कौन सा काला धंधा करके कमाया? काला धंधा? हाँ हाँ, काले धंधे के सिवा और कौन से काम में इतने पैसे मिलते हैं जो तुमने 50,000 रुपए चाचा जी के हाथ में थमा दिए? 50,000? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इस वक्त मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मेरा सर घूम रहा है। मुझे यही डर था। देखो तुम आराम से यहाँ लेट जाओ और थोड़ा पानी पियो, शायद तुम्हारा दौरा हल्का पड़ जाए। मुझे अगर मालूम होता कि तुम पर ये दौरे पड़ने लगे हैं तो मैं इस नौकरी के सिलसिले में मद्रास कभी जाता ही नहीं। मद्रास? तुम मद्रास में थे? लो, अब तुम मुझ पर शक भी करने लगी हो। तो वो तुम नहीं थे? तो फिर कौन था वो? कांग्रेसन माय संग राजेश। शट अप, शायद तुम अपने बाप को भी भूल गए हो। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। मुझे गिरफ्तार करने? हजूर मैंने किसी का भला किया क्या? मुझे किस खुशी में गिरफ्तार करने आए? नकली नोट छापने के जुर्म में। नकली नोट? इंस्पेक्टर साहब, हाँ वही आदमी है मारे को नकली नोट देके फंसायो। वो सारे नोट नकली थे? जी। इंस्पेक्टर साहब आप उसे पकड़िए जिसे मुझे चीट किया है। तुम्हें जो कुछ कहना हो थाने चलकर कहना, तलाशी लो इस घर की। लो, यहाँ चोरों को मोर पड़ने लगे। विनोद, इससे पहले कि हम कोई और बड़ा धोखा खा जाए और हम शादी कर ले। शादी? हाँ शादी, आर्य समाज मंदिर में अभी। कुमार, 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 अजय कुमार तुम्हारी साली से कैसे शादी करेगा?
उसकी शादी तो मेरी पुत्री से तय हो चुकी है। पुत्री 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 क्या नशा करके आए हो तुम? कुमार को आने तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर वो तो नहीं आएंगे। हमें क्या मालूम था, बड़े आदमियों की बड़ी बात है। क्या ये बंगला कुमार साहब का नहीं है? नहीं ये तो सैगल साहब का बंगला है। कुमार साहब ने तो 10 दिन के लिए किराए पे लिया था, पैसे दिया और चले गए। सुबह सुबह बुलाया और कहने लगे अब हमारा काम हो गया है, अब हम नहीं आएंगे। जाते हुए मुझे 100 रुपए बख्शीश दे गए। भगवान लंबी उम्र दे उन्हें। लो लो अपनी साली की शादी करो। अरे मैं साली की शादी करूं या ना करूं, तुम पहले अपने पुत्री की शादी कर ले। मुझसे शरा पैसा भी गया और इज्जत भी गई। पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। चलो गाड़ी रिवर्स करो, पीछे पीछे लो। क्या हुआ? जल्दी जल्दी पीछे पीछे। अरे ये तो छोकरी को आर्य समाज मंदिर में ले जा रहा है। जरूर ताल में कुछ काला है, पुलिस स्टेशन चलो जल्दी जल्दी। ओ विश्वानी दे पंडित जी, पहले शादी मैं करूंगा। मेरे साथ तुम्हारी शादी? तुम्हारे साथ कैसे? मेरे साथ। लेकिन शादी करने तो मैं आया हूँ। मगर तुम कौन हो? मैं तुम्हारे साथ कैसे शादी कर सकती हूँ? जैसे ये इसके साथ शादी कर सकता है। क्या? भाई साहब हम उधर इमरजेंसी में हैं। लेकिन मुझे भी तो क्रिकेट मैच देखने जाना है। ओहो अरे ये लगा ना मंडप है या कुरुक्षेत्र का मैदान। पंडित जी आप जल्दी से मंदिर शुरू कीजिए। ओ विश्वास तुम्हारी शादी हम करवाएंगे। आप शादी क्यों कराएंगे? यही है वो 420 कुमार, पकड़ लो उसे। लगाओ हाथ घड़ी से। जी मेरा नाम कुमार नहीं विनोद है। अरे वो कोई नया चक्कर चलाता है क्या? चक्कर कहाँ है वो मेरा माल। माल? हाँ हाँ माल, और उसके माल के साथ मेरा माल भी निकाल। कौन सा माल? जिसे तेरा दादा अपने बाप का माल समझकर ले उड़ा। दादा? कहाँ है तेरा दादा? दादाजी तो स्वर्गवास हो गए। अरे वो माल लेते ही वो बुड्ढा स्वर्गवास हो गया। मेरा माल खा के आदमी का जीवन यही नर्क हो जाता है, और तुम्हारा दादा स्वर्ग में कैसे पहुँच गया? मुझे नहीं मालूम। अरे बुद्धू बनकर हमें फिर बुद्धू बनाता है। अरे पकड़ो नी, पकड़ो नी। ले चलो। इंस्पेक्टर साहब अगर आपको इतराज न हो तो हम दोनों पहले शादी कर ले। हाँ शादी। तुम्हारी शादी तो थाने में होगी और सुहाग रात होगी जेल में। आइए आइए तशरीफ ले आए। आज तक तो सिर्फ सुना था कि कानून क्या समझे, आज देख भी लिया। आइए इंस्पेक्टर साहब, यही वो पार्टी है जिसने मुझे नकली नोट दे दिए थे। कैसा जमाना आ गया, बेईमानी के धंधे में भी ईमानदारी नहीं रही है। तुम कहाँ चले? बदली में आ गया है ना। चलो अंदर। जबरदस्ती है इसीलिए पुलिस का नाम बदनाम है, बाहर रहने वाले को भी अंदर भेज देती है। इस दरवेश का क्या होगा कुमार साहब? आप भी मुझे पहचानने में वही भूल कर रहे हैं जो पुलिस ने की है। पर आपका क्या दोष? जब रेखा तक धोखा खा गई। दीवान साहब मैं कुमार नहीं विनोद हूं, कुमार का सताया हुआ विनोद, वही विनोद जिसके नाम तक से आप चिढ़ते हैं। एक ही शक्ल के इतने आदमी, ये नई चाल चल रहे हो खलीफा? चाल तो नसीब ने चली है मेरे साथ। मैंने सोचा था रेखा को पत्नी बनाकर आपके सामने लाऊंगा, फिर तो आप मुझे स्वीकार कर ही लेंगे। पर बुरा हो मेरी शक्ल का, जुर्म कुमार ने किए, पकड़ा मैं गया। तो यानी तुम कुमार नहीं विनोद हो? जी हाँ साहब, आप तो खुद इतने अकलमंद हो। तो है ही। आ दोगे? क्या पता चला जयपुर जाकर? सर यही है वो आदमी जिसे कुमार ने अपना बाप बताया था। बैठो। थैंक यू सर। जैसे कुमार ने अपना नाम बदलकर विनोद रख लिया है, उसी तरह इन महाशय के भी कई एक नाम है। हाउ इंटरेस्टिंग सर, चीटिंग से लेकर स्मगलिंग तक ये आदमी कई तरह के धंधे करता रहा है और पिछले 5 सालों से फरार है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की वांटेड लिस्ट में इस आदमी का फोटो सबसे ऊपर लगा हुआ है। यानी ये कुमार एक खानदानी बदमाश है? यस सर, जैसा बाप वैसा बेटा। यह है बैंगलोर मिशन की कमाई सर। प्रगंसा इसमें 30% राजेश को दे दो। ओके सर। सर एक रिक्वेस्ट है। यस। आजकल इस काम में खतरा बढ़ गया है तो इसलिए बंटवारा 50-50 हो जाए तो बेहतर है। हाँ। मैं ज्यादा कह गया? चलिए 40-60 कर लीजिए। किसको कितना देना होता है इसका फैसला मैं करता हूं, और तुमको मैं अब तक क्या कुछ दे चुका हूं ये तुम अच्छी तरह जानते हो। लेकिन सर आजकल तो सरकारी नौकर भी अपनी तनख्वाह बढ़वा रहे हैं। बात को हंसी में टालने की कोशिश मत करो राजेश, बात पिस्तौल की गोली होती है, जो एक बार निकल जाए दोबारा वापस नहीं आती। तुमने जो कुछ कहना था कह चुके, ये लो अपना हिस्सा और जाओ। थैंक यू सर। सर
सर, राजेश ने आज अपनी हद से बढ़कर बात की है। जब कोई इंसान अपनी हद से बढ़ने लगे तो फ्रगेंजा, तुम नहीं जानते कि मैंने राजेश को इतनी छूट क्यों दी है। जब वो बोलता है तो मुझे उसकी आवाज भी अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है। आपके बेटे की आवाज? हाँ फ्रगेंजा, आदमी चाहे कितना भी संगदिल हो लेकिन उसके अंदर का इंसान एकदम मर नहीं जाता। पुरानी यादें उसका पीछा नहीं छोड़ती। सर आज आप बहुत जज्बाती हो गए। इसी का तो राजेश फायदा उठाता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, राजेश एक पतंग के समान है। ऊंचाई कितना भी ऊंचा उड़े उसकी डोर मेरे हाथ में है। सर एक बात पूछूं? पूछो। आपकी अपने बेटे से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? आज से कोई 5 साल पहले, जब उसकी मां मर चुकी थी। एक रात। हेलो सर, पूरा नाम धोखा दिया है। क्या कहा? अब जल्दी आ रहे हैं ना? हाँ, और प्रगेंजा को भी आज ही छुड़ाना है। ठीक है ठीक है, मैं भी आ रहा हूं। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं। आप झूठ बोल रहे हैं पिताजी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं आप कहां और किस लिए जा रहे हैं। बेटा मैं कुछ समझा नहीं। पहले मैं भी नहीं समझा था, सिर्फ शक था। लेकिन आज अच्छी तरह जान गया हूं कि मां किस गम में घुट घुट के मर गई। तुम कहना क्या चाहते हैं? यही कि आप काला धंधा करते हैं, लोगों को लूटते हैं, आप एक स्मगलर हैं। शर्म नहीं आती अपने बाप से इस तरह बात करते हुए? शर्म तो मुझे आपको बाप कहते हुए आती है। मैं भूखा मर जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा, लेकिन यह कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि लोग मुझे आप जैसे बाप का बेटा कहें। लेकिन बेटा मैं जो कुछ कर रहा हूं सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं ये सब बंद कर दूंगा और जो तुम कहोगे वो ही करूंगा। लेकिन कल से। बाप की कल कभी नहीं आती पिताजी, इसलिए आज ही से मैं अपना नाता आपसे तोड़कर जा रहा हूं। ठीक है, जब फाके काटने लगोगे तो कल ठिकाने आ जाएगी। ये मेरी बदकिस्मती है पिताजी कि आप मुझे समझ ना सके। फिक्र मत करो, मैं पूरन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा
भगवान सा, भगवान सा, भगवान सा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा भगवान सा, मेरी आंखें चली गई भगवान सा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, भगवान सा, तुम्हारी दुनिया में उस दिन छा गया था, जब विनोद मुझे छोड़कर चला गया था। अगर विनोद वापस आ जाता तो मैं ये काले धंधे छोड़कर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता। जिस दिन मुझे पता लगा कि मेरे पिता एक स्मगलर है, तो मैं आपको क्या बताऊं मुझ पे क्या बीती। लेकिन मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि एक बदनाम बाप का बेटा होते हुए भी मैं नेकी और शराफत की जिंदगी बिताऊंगा। सुना तुमने, तुम तो एक शरीफ बाप के बेटे थे, फिर भी तुमसे सीधे रास्ते पर नहीं चला गया। सीधे रास्ते पर चलना आसान है क्या? आसान तो मेरे लिए भी कहा था। आज मुझे घर छोड़े हुए 5 साल हो गए, लेकिन मैंने मुड़कर पिताजी की तरफ नहीं देखा, अपनी ही कोशिश से अपना भविष्य बनाने में लगा। तुम्हारी यही कोशिश तो मुझे पसंद आई थी विनोद। कोशिश तो हमने भी की थी, मगर किसी को पसंद ही नहीं आई। तुमने जिस तरह की कोशिश की थी उसी ने तो तुम्हें यहाँ बंद करवाया। बंद तो ये भी है, मैं तो न जाने किसके गुनाहों का फल भोग रहा हूँ। तो मैं क्या अपने गुनाहों का फल भोग रहा हूँ? अब भी तुम्हें अपने किए पर पछतावा नहीं होता? हो रहा है भाई, हो रहा है। अगर मुझे पता चल जाए कि वो बदमाश कुमार कहाँ है, तो मैं उसे गिरफ्तार कराए बिना दंड लूं। उसने मुझे जो नकली नोट दिए थे ना, उनमें एक असली रसीद भी आ गई थी। उस पर पता था क्या भला सा नाम था उस बुरी कंपनी का? हाँ, सतमूर्ति तारदेव बॉम्बे। सतमूर्ति तारदेव बॉम्बे। मिस्टर कुमार, कुमार, मैं ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ। कमाल है, जब वो मुझे बैंगलोर में मिले थे तो उन्होंने कहा था कि मैं सतमूर्ति में मिलता हूँ। बैंगलोर सतमूर्ति? आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। अजी नहीं, वो लंबे चौड़े हैं, गोरा सा रंग है, नीली नीली आंखें हैं और बड़े तेजी से बोलते हैं वो। ये रहा उनका फोटोग्राफ। मैं ये पहली बार देख रहा हूँ। कोई बात नहीं, अब ये साहब यहाँ जब भी आएंगे मैं इन्हें पहचान लूंगा। आप ऐसा कीजिए कि आप अपना पता यहाँ छोड़ जाइए, ये साहब जब भी यहाँ तशरीफ लाएंगे मैं आपका एड्रेस इन्हें दे दूंगा। जी नहीं, मैं खुद ही 2-4 दिन में पता लगा लूंगा। कोई एतराज तो नहीं आपको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप जरूर तशरीफ लाइए, आपकी दुकान है ये। थैंक यू। हेलो राजेश, तुम्हें एक नौजवान लड़का यहाँ पूछता हुआ आया था। क्या मुझे पूछता हुआ आया था? हाँ, मैंने उसकी फोटो ले ली है। ठीक है, उसकी फोटो लेके मुझे भेज दो। और सुनो एक बात और। क्या? आज डायमंड्स की डिलीवरी लेनी है। कहाँ? शिप पे। कोई मच्छी वाला है क्या? नहीं, यूरोपियन। कोई निशानी? लाल गुलाब और आधा कार्ड। हाँ, वो मेरे पास है। और कुछ? दैट्स ऑल। राइट, सॉरी डार्लिंग, ऑल गुड टू गो। ए, देख के नहीं चला जाता? अरे माफ कर देना यार। माँ जी, चोट तो नहीं आई? बेटा, बेटा पकड़ो इस आदमी को, इसने मेरा बेटा चुराया था। बेटा पकड़ो, पकड़ो बेटा। अब बोल बच्चू, बड़ा भुदक रहा था, देखता हूं अब बच के कहां जाएगा। क्यों बे, चाकू दिखाता है? आया बहन। भैया, भैया
इस कमीने से मेरा बच्चा दिला दो। मर्दों से पागलों की तरह मैं इसे ढूंढ रही थी, ये मेरा बच्चा चुरा कर ले गया था। क्या कह रही है ये? मैं कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानता तो ये चाकू क्यों दिखा रहा था? बोल कहाँ है बच्चा? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है बच्चू? अभी याद आ जाए। अबे लड़के छोड़ दे इसे, इससे मैं निपट लूंगा। बोल कहाँ है बच्चा? चाकू से काम चलेगा या बंदूक निकालू? याद आ रहा। कहाँ है? कहाँ है मेरा लाल बता? मेरे पास नहीं है, मैंने वो बच्चा धर्मदास को दे दिया था। धर्मदास? कौन है धर्मदास? कहाँ रहता है? अभी बताता। बताना नहीं, मेरे साथ चलना होगा। माया बहन मैं तुमको वायदा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे से मिला दूंगा। मुझे अपना पता बता दो। 25 नंबर कृष्ण गली। ठीक है चलो। चल इधर आप, चल ऊपर। यही है उसका घर। अब मैं चलो, ये मुझे मार डालेंगे। नहीं धर्मदास जी, धर्मदास जी। कौन हो भाई तुम? पहले ये बताइए कि बाहर जो सफेद गाड़ी खड़ी है ये आपकी है? गाड़ी? भाई मेरी गाड़ी तो पिछले हफ्ते चोरी हो गई थी, क्या मिल गई? इसे पहचानते हैं आप? अच्छी तरह देखकर बताइए। भाई अच्छी तरह तो आदमी जीवन भर नहीं देख सकता, इसीलिए तो कदम खाता है। देखिए मेरे सवाल को मजाक में मत उड़ाइए। मजाक? भाई मैं किसी के साथ क्या मजाक करूंगा? मजाक तो भगवान ने मेरे साथ किया है, मुझसे मेरी आंखें ही छीन ली। लेकिन तुम्हारी आवाज से लगता है कि तुम बहुत परेशान हो, क्या बात है भाई? ये आदमी जिसे मैं पकड़ कर लाया हूं कहता है कि बरसों पहले उसने एक बच्चा चुरा कर आपको दिया था, और ये अपना नाम पूरन बताता है। पूरन? बच्चा? नहीं भाई मैं किसी पूरन को नहीं जानता। रही बच्चे की बात, मेरा भी एक बच्चा था, लेकिन आज से 5 साल पहले मुझे बेसहारा छोड़कर न जाने कहां चला गया। उस गाड़ी का पीछा करो। ब्रिगेंजा, ब्रिगेंजा, सर, ब्रिगेंजा, इस आदमी का पीछा करो और पूरन को। पूरन अब इस दुनिया में नहीं रहा सर। शाबाश शाबाश, लेकिन इस आदमी ने हमारा एक घर देख लिया। मैं समझ गया सर। Mr. Young? Yes, Mrs. Young. Good, really young. And you? Sit down.
मनी डायमंड्स स्मार्ट वेरी स्मार्ट What happened? Police. Don't worry, I'll see. Hide it. Let's run from the back. ही घर में घुस के हमें पे रुबाब मैं कहता हूँ रुक जाओ बच्चे बच्चा होगा तू माँ जी को अकेला समझ कर डरा रहा था ज्यादा बकवास करेगा तो गोली मार दूंगा अबे तू क्या गोली मारेगा तू तो खुद डरा हुआ है ये तमंचा चलेगा तुझसे हाथ तो तेरा काम पर अबे हिम्मत तो चला गोली लगता है कुछ काले कर्म करके आए हो बेटे तभी तो लड़कियों की तरह खिड़की में से झांक झांक कर देख रहा है मगर घबराने की कोई बात नहीं हमारे होते हुए तुम पर कोई आंच नहीं आएगी ये वही कुमार है इसे रोक के रखना मैं भी पुलिस के लिए आती हूँ यार एक मुसीबत में फंस गया था इसीलिए तो ऐसा बोलना इतना सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी खैर तू अपने कपड़े सुखा ले मैं तेरे लिए बेवड़ा लेके आता हूँ बेवड़ा हाँ हाँ तू इतना भीगा हुआ है कई ठंड लगी तो
तय हो जाएगा। अबे सारे बातें तो तू बड़ी तेज करता है। चल चल इसी बात पे हाथ मिला चल। अबे साले बातें तो तू बड़ी कड़क करता है लेकिन तेरा हाथ ना रहना है। काम क्या करता है? काम अजय अपने जैसे को काम कहाँ मिलता है? नहीं मिलता है तो तुझे काम हम दिलाएंगे हैं और तुझे बल भी ज्यादा दिलाएंगे। तू ऐसा कर कल होटल होराइजन में मुझे 3 बजे मिलना। ओके हम चलते हैं। लेकिन वो बेवड़ा आज नहीं फिर कभी। माँ जी मुझे इसके पीछे करना है मैं चलती हूँ। कौन? यहाँ कोई हूँ। तुम? आप आ गए। लग गया मेरे बेटे का पता। कहाँ है वो? नहीं वो आदमी झूठा निकला। धर्मदास तो उसे जानता भी नहीं। मुझे धर्मदास के पास ले चलिए। मुझ दुखिया के आंसू देख कर शायद उसका दिल पसी जाए। लेकिन धर्मदास तो अंधा है। कुछ भी हो मुझे ले चलिए भैया मुझे ले चलिए। अच्छा अच्छा चलो आज कैसे लग गई? धर्मदास तो बच गए ना? कहाँ भाई तेरे जी तो बेचारे अंधे थे भाग भी नहीं सके। अब तक तो बेचारे जलकर राख नहीं बच चुके होंगे। सर बचाइए सर जरा संभल के सर। विज्ञान सर सर हमें यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं? नो सर। वेरी गुड विज्ञान सर जानते हो कि विक्रम का हमारे बेटे की तलाश में हमारे घर आना हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। आपका मतलब है सर? हाँ मतलब ये कि पूरन हरामजादे को उसकी गद्दारी की सजा मिल गई ये एक फायदा हुआ और धर्मा पुलिस की नजरों में हमेशा के लिए जलकर राख हो गया ये दूसरा फायदा हुआ। यू आर राइट सर। चलिए सर। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये बदमाश कुमार का फोटो है? जी नहीं ये विनोद का फोटो है लेकिन इसकी शक्ल बिल्कुल कुमार से मिलती है। वेरी इंटरेस्टिंग। जरा इस फोटो को देखो ये विनोद का है ना? जी हाँ। जी नहीं ये कुमार का फोटो है। हम वक्त पे पहुंच जाएंगे। हमें इन दोनों की तलाश है चाहे वो कुमार हो या विनोद क्योंकि कुमार अपने एक साथी के साथ बेंगलोर लॉकअप से भाग निकला है। जी अब आपके सामने हमारे देशभक्त और आप सबके शुभ चिंतक श्री श्री चुनीराज जी और मुनिराज जी अपने शुभ विचार आपके सामने रखेंगे। इनका तालियों से स्वागत कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। तुम एक बे सबका भला पार्टी के भले लोगों और लोगनियों हमारे आज के भाषण का तात्पर्य ये है कि इस देश का क्या होगा। अरे 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 आज क्या है रे? आज हड़ताल है हड़ताल। आज हड़ताल है यारो ये उसकी चाल है यारो। जिसे कुछ काम नहीं है जिसका कोई नाम नहीं है जो दंगे करवाता है जो बंदे मरवाता है पकड़ो और पीटो पीटो उसे गलियों में घसीटो। कहीं गुजरात बंद छे शांति भाई हाँ ढोकला खाओ हाँ टोंक खाओ हाँ घेर बैठा। कहीं बंगाल बंद है कल क्या सब ये ठीक हुआ जाइबू 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 शकी दो कटला मतेर मोड़ो बाबा दाई ना। कहीं महाराष्ट्र बंद है संध्याकाळी सारा दोन दोन मिनिट आली मुलांचा सारी कार्यक्रम किल बिल 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 जी 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 आ जी 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 जी। कहीं घेराव का चक्कर कहीं पंजाब बंद अच्छी सरकारी छुट्टी राजस्थान बंद है या मुर्दाबाद के नारे मगर शमशान बंद है। मुर्दा काट दो
अब ये नारा करो बुलंद, बंद करो ये सारे बंद, बंद करो ये सारे बंद, बंद करो ये सारे बंद, बंद करो, बंद करो। आप हैं कौन? हम कौन है भाई? तक दिन तक, तक दिन तक, तक दिन तक, दिन तक, 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 दिन तक। मैं शुभ हूँ ये है चिंतक, हम सबके हैं शुभ चिंतक, शुभ चिंतक, 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 तक तक, दिन तक, दिन तक, दिन तक, तक दिन तक, दिन तक, दिन तक। जी सूरत वाला तो अभिनेता बन सकता है, जिसे कुछ भी नहीं आता है वो अभिनेता बन सकता है। तक दिन तक, तक दिन तक, तक दिन तक, तक तक, तक तक, तक तक, दिन तक, दिन तक, दिन तक, तक दिन तक, दिन तक, दिन तक। मैं शुभ हूँ ये है चिंतक, हम सबके हैं शुभ चिंतक, शुभ चिंतक, 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 तक तक, दिन तक, दिन तक, दिन तक, तक दिन तक, दिन तक, दिन तक। वो दुश्मन है हड़तालें जो करवाए, हर माल छुपा के घर में जो हर माल का भाव बढ़ाए। हम हैं वो चलते पुरजे, हर जगह जो फिट हो जाए, जो गाने हम गाते हैं जी वो गाने हिट हो जाए। बुम बुम हिट है, जुम जुम हिट है, बुम बुम हिट है, जुम जुम हिट, टक 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 टक, तक। मैं शुभ हूँ ये है चिंतक, हम सबके हैं शुभ चिंतक, शुभ चिंतक, 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 तक तक, दिन तक, दिन तक, दिन तक, तक दिन तक, दिन तक, दिन तक। मिस्टर शुभ। यस मिस्टर चिंतक। हम तो तक दिन तक करते रहे और कुमार धक धक करते हुए निकल गया, तो क्या करें? अब हम भी धक धक करते हुए कहीं चले। चलो मैंने त्रिलोचन को सारा प्लान समझा दिया है, आज के बाद मुझे विक्रम का नाम और निशान नहीं चाहिए, और अगर कुछ गड़बड़ हो तो मैं सामने वाली हवेली में बैठा हूँ। लेकिन राजेश, ये उस लड़के की तस्वीर जो तुम्हें ढूंढता हुआ त्रिमूर्ति में आया था, ये लड़का, इस चिकने को तो मैं पहले मिल चुका हूँ, फिर तो मुझे इसे मिलना ही होगा। अमृत कौर साड़ी वोटी और कौन? ओ, लंदन तो आ रही है और असी पंजाब तो आ रहे ने। ए, और राइजन ही है ना? Yes. तो बस इत्थे ही ते साड़ा मिलन होना सी। लब लब लब। नो, I'm sorry. लंदन से यहाँ कोई अमृत कौर नहीं आए हैं। नहीं आई, हले तक नहीं आई है, कोई गल नहीं, असी बहने हैं। हाँ, बहने। सत श्री अकाल बहू जी, सत श्री अकाल। बड़ी सोहनी कुड़ी लभी है, यूरोप तो आ रहे हो? Yeah, America. America? Oh, love and hate America. ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਓ ਜੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਮੀਨ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪ? ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਮਜਰੂਪੁਰੀ। ਮਜਰੂਪੁਰੀ? ਕਿਉਂ ਜੀ, ਮਜਰੂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਮਜਰੂਪੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਹੈ ਯਾਰ, ਇਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੈਣੇ?
होटल का किराया आप रिसेप्शन से पूछे और मैं आपका यार नहीं। ओए ओखा की बंदा यार, मैं तेनू सिर्फ यार ही कह कोई गाल थोड़ी कटी है। और सुन, असि बड़े खुददार होने हैं, जिस होटल तेरे वर्गे घमंडी रहने ना, उस होटल मैं नहीं रहना। मैं चला अमृत कौर मैं बाहर ही लभ लियांगा। कहां है कुमार? 3:30 बज चुके हैं। वो यही आने वाला था, आप विश्वास रखिए। आपके विश्वास पे हम लोग आए थे, चले आते हैं खामखा पुलिस को परेशान करने के लिए। बायस कमान। ये तो ऊपर नीचे दोनों बंद है। वो बात नहीं, आज नहीं तो कल जरूर खुलेगी। तो कल तक कोई धर्मशाला ढूंढो। चलो चलो। यहाँ आसपास कोई धर्मशाला? धर्मशाला लगता है तुम शिकारपुर से आए हो। अबे टकले, इस बंबई में आसपास ही नहीं तो धर्मशाला कहाँ से मिलेगा? इतने बड़े शहर में धर्मशाला नहीं, इस दरवेश का क्या होगा? धर्मशाला है। आइए मैं, आइए आइए। बोला था, आइए। इस दरवेश का क्या होगा? कौन कौन है? मैं हूँ माँ। आओ बेटा आइए। ये धर्मशाला है या गौशाला है? मेरा मतलब है बंबई में धर्मशाला ऐसी होती है? धर्मशाला? माँ जी इनसे मिलिए, ये है मनोहर लाल जी और ये है विनोद। तुम सीएडी वाला है? चाचा जी, जब दरवेश होके चाचा अपनी भतीजी को ना पहचान सके उस दरवेश का क्या होगा? देखा तुम क्या कर रही हो? चाचा जी को तो खैर बुरे भले की भी पहचान, लेकिन तुमको क्या हुआ? इतनी बातें कर रही हूँ वहाँ। देखा, बस बस बातें मत बनाओ, चलिए अंदर। चल, कम कम कम। तुमने भेसी ऐसा बदला देखा कि थोड़ी देर के लिए मैं चक्कर खा गया था। अरे तू तो चक्कर खा गया, इसकी चाची इसको देख ले तो इसे ही खा जाए। लेकिन फायदा क्या हुआ? कुमार हाथ आकर भी निकल गया, मैं इसे पकड़ न सकी। कुमार तो हमारे हाथ आकर भी निकल गया। जब तक कुमार पकड़ा नहीं जाता पुलिस मेरे पीछे पड़ी रहेगी। अब हम क्या करेंगे चाचा जी? हम एक दूसरे के पीछे पड़ जाएंगे। मिल गया। कौन मिल गया? मुरारी सनफ गिरधारी। इसे बांध कर उठा कर ले चलो। चला के पीछे इतने जल पड़ गए। Thank you.
आप लोग कौन हैं? जी मैं हूँ शुभ। और मैं हूँ चिंतक। शुभ चिंतक। पराई आग को लोग दूर से सेकते, मगर आप लोग तो इसमें कूद पड़े। मुझ पर इस मेहरबानी की वजह? अजी मेहरबानी तो उस ऊपर वाले की है जो हम हिंदुस्तानी होते हुए भी ठीक टाइम पर पहुंच गए हैं। एक के ऊपर आठ आठ देखकर हमने सोचा हम भी आपका हाथ बटा दें। आदमी आप लोग दिलचस्प लगते हैं। शुक्रिया, लेकिन दिलचस्पी तो हमें यह जानने में है कि ये गुंडे आपकी जान के पीछे क्यों पड़े हुए थे। ये भाड़े के टट्टू उसी कमीने के भेजे हुए थे। कौन कमीना? आइए मैं आपको बताता हूं। दुनिया में मेरा एक ही दुश्मन है और ये उस कमीने की तस्वीर। हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठते ही मैं इस कमीने की तस्वीर को देखता और अपनी कसम दोहराता कि ये मुझे जब भी मिल गया और जहां भी मिल गया मैं इसे कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत। मगर इतनी गहरी नफरत की वजह? वजह? लेकिन आप लोग ये पूछकर क्या करेंगे? जी मेरा मतलब अगर हम लोगों को उसका पता चल गया तो हम लोग उसे आपके हवाले कर देंगे। यस वी आर पब्लिक सर्वेंट सोशल वर्कर। करेक्ट। वो हमारी हवेली के सामने रहता था अपनी मौसी के साथ, लेकिन अब वो बुढ़िया भी उसकी शक्ल से नफरत करने लगी है। अच्छा हम लोग चलते। मैंने आपकी कुछ खातिर तो की नहीं, आप लोग बैठिए। हजी खातिर तो आप हमारी खूब करते, लेकिन रात ज्यादा हो रही है। नमस्ते। नमस्ते। मिस्टर शुभ। यस मिस्टर चिंतक। खजूर से गिरे आसमान पे लटके। आसमान से गिरे खजूर पे लटके। ओह आई मीन द सेम थिंग। ये दरवेश का क्या होगा? आपको दरवेश की पड़ी है, ये सोचिए मेरा क्या होगा। अरे भाई हवेली का हवाला मिल गया है ना, तो चलो चलो। अरे फूल, इतने आदमी भेजे थे फिर भी तुम विक्रम को खत्म नहीं कर सके। विक्रम को ठिकाने लगा देते, लेकिन दो राहु केतु ना जाने कहां से आ गए। राहु केतु कौन? वो साले आ रहे हैं, बड़ा जोर से मारते हैं। ठीक है तुम चलो, मैंने ठिकाने का क्या था। हवेली तो आ गई, अब इसके हालात भी देखें। अरे तुम्हें तो वो कुमार समझ लेंगे, मगर कहीं तुमने नौकर को मालिक और मालिक को नौकर समझ लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझे? फिर क्या करें? चलो कोई पिछला दरवाजा ढूंढें। घर के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे तो दरवेश का क्या होगा। क्या होगा? सॉरी।
कौन है? कौन है? कौन है? अरे छोटा सा घर, छोटा सा घर, माँ जी छोटा सा घर है, माँ जी छोटा सा घर है, छोटा सा घर है। राजेंद्र आया है? हाँ। अरे तो चिल्ला क्यों रहा है? पहले विक्रम ने सुन लिया तो जा जाकर दरवाजा बंद कर। राजेंद्र मेरे बच्चे, राजेंद्र, राजेंद्र जन्म देने क्यों आया यहाँ? मैं अपने दिल पर पत्थर रख चुकी थी, तुझसे नाता तोड़ चुकी थी, फिर क्यों आया? कौन? राजेंद्र। वो तो यहाँ नहीं आवा। मैंने अपने कानों से सुना है। अरे सरकार हमारी बात तो सुनो। हट जाओ। हे भगवान, विक्रम, राजू, चल। बापे, ये तो विनोद को मार डालेगा। विनोद, जल्दी से भेष बदल ले। भेष बदल ले? अरे जल्दी कर वरना मारा जाएगा। पहन पहन। राजेंद्र, कमीने! आप लोग? जी हम लोग। वो कमीना कहाँ गया? कमीना? यहाँ तो हमारे सिवाय और कोई कमीना नहीं आया। मैंने अपने कानों से सुना है कि वो यहाँ आया है। ठहरिए। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सरकार हम तो सोशल वर्कर है ना, जहाँ कहीं भी दंगे फसाद की आवाज सुनी पहुंच गए। आपका शोर सुनकर समझा कि गुंडों ने आप पर यहाँ भी हमला कर दिया है। वहाँ जरा लेट पहुंचे थे, लगता है यहाँ जरा जल्दी पहुंच गए हैं। क्यों मिस्टर शुभ? राइट। नमस्कार। बचेगा? ये गाड़ी किसकी? किसी की भी हो, तुम दरवाजा खोलो। कहाँ ले जा रहे हो? वहां जहां से कोई वापस नहीं आता। ओ जय, तो वहां जाने का एक ही रास्ता है? जी हाँ। वन वे ट्रैफिक। वो दरवाजा लॉक्ड है, यहाँ से बाहर निकलिए मामा जी। मामा जी, मैं तुम्हारा मामा कब से हो गया? विनोद? विनोद नहीं, कुमार, समझे? अब चुपचाप मेरे साथ चलिए मिस्टर मनोहर लाल अग्निहोत्री। कम ऑन, हरी अप, क्विक। इस दरवेश का क्या होगा? अब ये सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। हरी अप। ओ, ये तो असली है। और नहीं तो क्या, नकली है? आपके बड़े भाई शैतान भी यहीं रहते हैं क्या? Come on, hurry up, you bloody idiot! त्रिलोचन? Yes, boss. ये है श्री मनोहर लाल अग्निहोत्री, इन पे कड़ी नजर रखें। चाचा तो आ गए हैं, अब भतीजी को लाने का प्रोग्राम करना पड़ेगा। बेवकूफ भतीजा खुद ब खुद ही आ जाएगा। Yes, boss.
मुझे कब आना चाहिए और कब नहीं तुम लोगों से पूछने की जरूरत नहीं, समझे? लेकिन भतीजी कहाँ है? अपनी चाची के पास, खुश हो ना? पापे नाराज होने की क्या बात है, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। देखो मिस्टर, मुझे ये 24 घंटे की चमचागिरी पसंद रही, समझे? लगता है आज मूड ठीक नहीं। बिहेव योरसेल्फ और चलते बनो। वाकई मूड ठीक नहीं, चलते बनो। काटा बन, छुरी बन, चमचा बन, क्या बात है बॉस, आज इस त्रिलोचन तो बहुत बरस रहा। और भी कुछ पूछना है, है? चलते बनो चमचे, चलते बनो। आज के लिए यही बहुत है। हेलो हेलो, ये आज तुम्हें हो क्या गया? तुम्हारा पारा क्यों चढ़ा है? पारा? हाँ, आज मेरे बहुत गुस्सा रहा है, मेरा दिमाग बहुत गर्म है, चलो यहाँ से, चलो। मुझे तुम्हारा दिमाग ठंडा करना आता है, चलो मेरे साथ। चलो, लेकिन कहाँ? राजेश मुझे क्या हुआ है? मैं तो घर पढ़ाई और अपनी भैंस समझता हूँ। अबे साले तू एकदम बंडलबाज निकला, उस दिन अपने को होराइजन होटल में बुलाया, खाली बिली चक्कर दे गया ना। वो हाँ यार, उसने एक चक्कर में फंस गया था, एक छोकरी मिल गई थी। छोकरी तेरे को? अबे जा, कोई छोकरा होगा? अरे छोकरा ही मिलना था तो तू बुरा था क्या? अच्छा छोड़ मजा, तेरे लिए फर्स्ट क्लास। झूठ बोले कुत्ता काटे। अबे इडियट, कुत्ता नहीं कौवा काटे। अच्छा चल, तू बोलता है तो कौवा ही सही। सच बोलता है, एक फर्स्ट क्लास नौकरी तेरे लिए फिट की है, चल जल्दी। अरे सच बोलता है, चल इसी बात पे एक नौटंग हो जाए, मैं अभी तेरे लिए ब्यौरा लेके आता। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए टाइम नहीं है, चल 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 ना। इसके लिए तो टाइम है ना। हाँ मेरे को भी पहुंचो। अबे तू बाद में करना। अरे देखिए मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। अब आप शरीफ भी कौन है लगे? देखिए मेरा दिमाग बहुत गर्म करिए। क्या? छोड़ो, क्यों मेरे गले पड़ गई है? छोड़िए ना, तुम्हारे गले पड़ रही हूँ। मेरे गले नहीं पड़ रही तो क्या पड़ रही है? अबे जल्दी कर। शाम तक ना लौटू तो समझ लेना कि मैं मुसीबत में हूँ। मनोहर लाल का ये क्या हो रहा है? आपके इस चिकने चेहरे पर ये चित्रकारी किस कलाकार ने की है बॉस? माइंड योर ऑन बिजनेस, एक पागल छोकरिया ने काटा है। छोकरी कहाँ है? शट अप। मनोहर कहाँ है? कमरे में। खोलो। क्या दरवाजा? और क्या आओ। वाह वाह वाह, ये तुम्हारा घर है? बहुत धन्यवाद। मगर तुम तो मुझे नौकरी दिलवाने वाले थे। मिल जाएगी। ये बत्ती कब बुझा दी? तुम्हें तमाशा दिखाने के लिए। तमाशा? बैठो बैठो। थैंक यू। अरे ये तो मेरा फोटोग्राफ है। अरे मैं कद आख्या के सुल्तान सिंह मजरूपुरी का फोटो है। अच्छा तो वो सरदार भी तुम ही थे? आहो ये देखो तीसरा फोटो, मुझे साफ, और ये तुम्हारा असली रूप। वो मेरा असली रूप नहीं, मेरा असली रूप तो ये है। वो रूप तो मैंने तुम्हें पाने के लिए रचा था, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले आए? हाँ, मेरी कुछ मजबूरी थी। तुम्हारी मजबूरी को मेरे घर वाले चीटिंग कहते थे, इसलिए मैं घर से भाग आई हूँ। आखिर भगवान ने मुझे तुम तक पहुंचा दिया। बहुत अच्छा किया भगवान ने। वैसे तुम्हारा अभी क्या इरादा है? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? बहुत प्यार करती हो मुझसे। हाय जालिम, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। ओ चाचा जी, मैं विनोद हूँ, विनोद। देखो मिस्टर विनोद और मिस्टर राजेश, जब मैं तुम्हें विनोद समझता था तो तुम कहते थे मैं राजेश हूँ, और अब जब राजेश समझता हूँ तो तुम कहते हो मैं विनोद हूँ। आखिर इस दरवेश का क्या होगा? भाषण का टाइम नहीं है, मेरी बात को मानिए, मैं विनोद हूँ, विनोद। मान जाइए मामा जी, मान जाइए। अजी कैसे मान लें? रेखा बेटी तुम? रेखा तुम यहाँ कुमार, इन्हें मत मारो। ठीक है, मन तुम कहती हो तो को माफ कर देता, वरना जैसे आज मैंने इन्हें यहाँ मिलाया था, इन्हें हमेशा के लिए जुदा भी कर देता। ये क्या, दो दो राजेश? हो स्वीटी, यह है मेरा हमशक्ल पंडित विनोद कुमार।
ओह, तो आप विनोद हैं? लेकिन ये लड़की कौन है? ये रेखा है, जो आज मेरे लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आ गई। ये सरासर झूठ है और लोग क्या पटे, ये सच है। स्वीटी, आज से रेखा यहीं रहेगी और इसकी देखभाल तुम करोगी। प्लीज चेक कर। अब, 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 रेखा घबराओ नहीं, मैं इस गुंडे से तुम्हें जल्दी बचा लूंगा। उल्लू के पटे, कोशिश तो कर। इस दरवेश का क्या होगा? ये सोचिए अब मेरा क्या होगा। तो इस दरवेश का होगा? ब्रिगेन सर, इससे अच्छा प्लान मेरे पास है। ऐसा प्लान जिसे देख के तेरी आंखें फट जाएगी और तेरे बच्चे जिंदगी भर मुझे दुआ देंगे। अच्छा, आओ मेरे साथ। बैठो। विस्की कैसे पीते? पानी में या सोडा में? कैसे भी चलेगी, सर का बोझ ही हल्का करना है ना। दूसरों का बोझ अपने सिर पे उठाए फिर तो कभी हल्का नहीं होगा ब्रिगेन सर। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है। अब ये मंदिर वाले मिशन को ही देखो, कितना रिस्क है इसमें। अगर पकड़े गए तो लोग मार मार के हमारा प्रसाद भक्तों में बांट देंगे, और अगर बच के आ गए तो हमें क्या मिलेगा? वही 30%। तुम कहना क्या चाहते हो मैं समझा नहीं। तुम झूठ बोलते हो, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं पूछता हूँ, किसके फायदे के लिए अपनी जान खतरे में डालेंगे, अपने या उस अंधे बुड्ढे के लिए? बनो मत ब्रिगेंजा, तुम भी जानते हो कि धर्म अंधा है। जिस हा हा हा, वो आंखों का अंधा और तुम अकल के। लेकिन ना तो मैं आंखों का अंधा और ना अकल का, फिर क्यों तुमने के लिए अपनी जान खतरे में डाली? बोलो, तुम मेरे साथ हो या उस बुड्ढे अंधे के? बोलो यस और नो, क्विक, कम ऑन, हरी अप। यस। गुड, तो ये काम हम लोग दोनों मिलकर करेंगे। पार्टनरशिप 50-50 और आजादी 100%। बोलो क्या कहते हो? तुमने बोलने की गुंजाइश सिखा रखी। मैंने कहा था ना, एक दिन तेरे बच्चे मुझे दुआ देंगे। चीयर्स। चीयर्स। वाह वाह वाह, क्या शानदार प्लान है। मंदिर लूटने के बाद ब्रिगेंजा की छुट्टी और सारा माल आपने। अब चुपचाप ये चिट्ठी विक्रम तक पहुंचा दो। चिट्ठी विक्रम, ये बात समझ नहीं। अरे ये तुम जानते हो विक्रम की मुझसे दुश्मनी है। yes. और विनोद की शक्ल मुझसे मिलती है। yes. जब हम मंदिर लूट रहे होंगे विनोद बंदा होगा। yes. जब हम मंदिर लूट चुके होंगे विनोद को छोड़ देंगे। yes. मंदिर विनोद ने लूटा है, लोग यही समझेंगे। लोग समझे ना समझे, लेकिन मैं समझ गया, विनोद विक्रम की गोली से मारा जाएगा और लोग समझेंगे मंदिर लूटने वाला मारा गया। करेक्ट। नाउ गो नाउ। चिट्ठी। गो डू योर जॉब क्विक, मैं अभी विनोद को लेके आता हूं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सुनो बनवारी मेरी, अर्ज सुनो बनवारी, पूरी कर दो मनोकामना, पूरी कर दो मनोकामना, आए शरण तिहारी मेरी, अर्ज सुनो बनवारी, अर्ज सुनो बनवारी। जिसकी
उतना वो फल पाए प्रभु सदा रहूं चरणों में तेरे बनके तेरा पुजारी मेरी अर्ज सुनो बनवारी अर्ज सुनो बनवारी अर्ज सुनो बनवारी मेरी अर्ज सुनो बनवारी पूरी कर दो मनोकामना पूरी कर दो मनोकामना आए शरण तिहारी मेरी अर्ज सुनो बनवारी अर्ज सुनो बनवारी मिस्टर विनोद जाओ अब तुम आजाद हो जाओ ऐश करो सुनो तुम लोग जाके मोटरबोट तैयार करो मैं सुल्लू के पट्टे को ठिकाने लगा के आता हूं यूनुस स्वीटी अपने वक्त का इंतजार कर रही है और मेरे ख्याल से उसका वक्त आ गया है समझे अच्छा हुआ मैंने इन चूहों को भगा दिया अब माल के हिस्सेदार कम हो जाएंगे चलो हिस्सेदार तो तब आएंगे जब माल का बंटवारा होगा बंटवारा सिर्फ थर्मा करता है ले चलो गाड़ी चुपचाप वरना ये पिस्तौल बोलेगी चलो कुत्ते की तरह खाऊं हाथ खोलने का ऑर्डर नहीं है सर तो फिर अपने प्यारे हाथों से खिलाओ जैसे बचपन में तुम्हारी माँ तुम्हें खिलाया करती थी ये अपना काम नहीं है साहब मैं तो इस नौकरी से पहले ही तंग हूँ अच्छा क्या तनख्वाह मिलती है 100 रुपया महीना सर 100 रुपया अगर तुम्हारी 1000 रुपए की लॉटरी लग जाए तो 1000 हाँ तब तो ये वर्दी मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगा अच्छा
तो फिर तुम्हारी 1000 की लॉटरी लग गई मेरे दोस्त। लग गई? हाँ। तो चिकन के साथ, चिकन चिकन चिकन। वो माल और गद्दार दोनों ले आया हूँ सर। राजेश, तुमने हमें धोखा देकर भाग जाने की कोशिश की, तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई। तुम समझे कि तुम्हारी तरह दुर्गेंद्र भी हमें दबा देगा, लेकिन नहीं। इसने एक और चाल भी चली है सर। मंदिर वाली लूट में अपने एक हमशक्ल को फंसा आया है, जिसका नाम है विनोद। विनोद, विनोद की शक्ल इससे मिलती है, इसकी आवाज भी तो मेरे बेटे से मिलती है। कहीं वो विनोद मेरा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ब्रिगेंडा, जितना भी हो सके उस विनोद को मेरे पास लेकर आओ। जल्दी करो, जल्दी सर। जैसे पापियों का यही अंत होता है बेटे। नहीं बेटे, ये गोली मुझे राजेश ने मारी। राजेश, मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा पिताजी। विनोद, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। क्या? नहीं पिताजी। हाँ बेटे, मैंने तुम्हें वरदान के रूप में पाया था जब तुम बहुत छोटे से थे। ऐसा नहीं हो सकता पिताजी। बेटे, बेटे, मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है। बेटे, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, मुझे मुझे माफ। पिताजी, मैं कहता हूं हट जा सामने से, वरना गोली मार दूंगा। अभी तक वो गोली नहीं बनी जो विनोद के सीने से पार हो जाए। विनोद, तुम विनोद नहीं हो? तो फिर कहता हूं हट जा सामने से, हट जा। अब चला गोली। Oh!
नहीं, ये है मेरा हमशक्ल। नहीं, ये झूठ बोलता है रजिंदर, ये है नहीं रजिंदर, ये है। एक ही सूरत का फायदा उठाकर तुम दोनों मुझे चक्कर में डालना चाहते हो। मैं तुम दोनों को गोली से उड़ा दूंगा। लेकिन मैं राजेंद्र को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं, मैं तुम्हें होने दूंगी। खबरदार विक्रम। विनोद, राजेंद्र को मारना इतना आसान नहीं विक्रम। चलाओ गोली, चलाओ। लाओ ये बंदूक मेरे हवाले कर दो, वरना खामखा ये बेगुनाह लड़की मारी जाएगी। चलो लाओ बंदूक, कम ऑन हरी अप क्विक। खबरदार जो कोई भी अपनी जगह से हिला। बैग उठाओ, बैग उठाओ। भगवान के लिए अपने भाई को बचा ले बेटा, कुछ कर, जल्दी कर। अब उसे कोई नहीं बदल सकता, उसका खून सफेद हो चुका है। मत कहो बहन, ऐसा मत कहो। वो एक बार अपनी माँ के सीने से लग जाए फिर वो ऐसा नहीं रहेगा। कुछ कर बेटे, जल्दी कुछ कर। उसने रह के हाथों अपने भाई को बचा ले, बचा ले। कैसी माँ हो? उस बदमाश बेटे की जान बचाने के लिए इस शरीफ बेटे की जान खतरे में डाल रही हो। उस कमीने की यही सजा है माँ, मर दो उस कुत्ते को। मेरे सामने मेरे बेटे की मौत का लफ्ज भी निकाला तो दुनिया दो भाइयों में बदमाशी और शराफत का फर्क देख सकती है, पर मां का खून दोनों की रगों में एक ही जैसा है। अगर तुझ में जरा भी शराफत बाकी है तो जा, बचा अपने भाई को जाकर। छोड़ दे, छोड़ दे कमीने, मैं मर जाऊंगी लेकिन तेरे साथ नहीं जाऊंगी, छोड़ दे मुझे। कमीने दोगा तुम भी, मैं रजिंदर नहीं विनोद हूं। अगर मैं ये चक्कर नहीं चलाता तो विक्रम रजिंदर को मार डालता। आज इतने बरसों के बाद मुझे पता चला है कि मेरा इस दुनिया में कोई भाई भी है। मैं तेरे इस चक्कर में नहीं आने वाली। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करती? मैं विनोद हूँ, तुम्हारा विनोद। वही विनोद जिसके साथ तुम्हारे समाज मंदिर में शादी करने गई थी, वही विनोद जिसके साथ तुम बात बात पर कट्टी कर देती थी। सच? विनोद, लेकिन विक्रम तुम्हें मार डालेगा। जानता हूँ, लेकिन मेरी माँ और मेरे भाई तो सुखी रहेंगे। चलो ये क्या हो गया? मुझे माफ करना विनोद, मैंने गोली राजेंद्र पर चलाई थी। नहीं राजेंद्र, वो नहीं राजेंद्र, मैं। मुझे अपने गुनाहों की सजा मिल रही थी। एक गोली और चलाओ विक्रम, एक गोली और चलाओ, पूरी कर लो अपनी कथा। नहीं 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 नहीं, तुमने तो मुझे वचन दिया था मेरा बेटा मुझसे मिला दोगे। माँ को इस तरह बेटे से मिलाने का वचन दिया था तुमने। इससे पहले एक वचन मैंने अपनी बहन की आत्मा को दिया था, उस वचन की राह में मेरा ही दूसरा वचन दीवार बन के खड़ा हो गया है, और वचन तोड़ना मैंने सीखा नहीं। वैसे भी अब मेरी बहन दुनिया में नहीं रही, अब मैं भी जिंदा रहकर क्या करूंगा। आज से मैं आपकी बहन हूँ, कोई बहन अपने भाई को आत्महत्या करने नहीं देगी। आज आप मिल लीजिएंगे। हाँ भैया, अच्छा हुआ आप भी आ गए। इंस्पेक्टर साहब, आप हमेशा गलत आदमी को पकड़ेंगे तो इस दरवेश का क्या होगा? मैं नहीं, ये राजेश, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मिस्टर विक्रम, एक गन हमारे हवाले कर दो। कमान, चलो तुम भी हमारे साथ। कमान,
चलो। माँ, माँ मुझे माफ कर देना। विनोद मेरे भाई, मैंने तुझे बहुत दुख दिए है ना, भूल जाना तेरा भी कोई ऐसा भाई था भैया।